हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद कुमार और आप देख रहे हैं मेरा ये व्लॉग। आज हमने चार दोस्तों ने मिलके अमृतसर जाने का प्रोग्राम बनाया है, तो वीडियो में बने रहना। अभी गाड़ी में हम बैठे ही हैं तो आपको सारा व्यू दिखाऊंगा अमृतसर का। अभी हम सतवारी पहुंचने वाले हैं, एयरपोर्ट के पास से निकल रहे हैं। तो मुझे बहुप्राजा में थोड़ा सा काम है, वहाँ पर मैंने फ्लैक्स लेनी है। तो अभी गाड़ी में थोड़ा तेल डाला है, तो टाइम जो है अभी हुआ है 3 बज गए हैं। 3 बजे हम लेट हो गए थोड़ा सा, तो 3 बजे के करीब निकले हैं यहाँ से। तो अभी हमने लंच करना है अभी, तो लंच भी बहुप्राय जाके करते हैं। तो अभी रेडी हैं लंच के लिए, तो बस अभी कंट्रीन में चलते हैं, तो वहाँ पर लंच करते हैं, थोड़ा सामान भी ले लेते हैं। तो आपको मैं आज अमृतसर लेके जाऊँगा, तो वीडियो में जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो आके बहुत मज़ा आने वाला है देखने के। तो आप देखते रहिए ताकि आपको ऐसी वीडियो लाता रहूँ। अब बहुप्राजा पहुँच गए हैं, खाना खुना हमने खा लिया है, तो अब निकलते हैं अमृतसर की तरफ। तो अभी हमने सलाह की है कि लखनपुर जाएंगे, वहाँ पर पल ले खाएंगे। पल्ले ले लेते हैं, लखनपुर जाएंगे तो बड़े सुना है बड़े टेस्टी पल्ले हैं इधर। दो तो तरह के पल्ले हैं, एक ज़रा कंची और एक नॉर्मल। हमने पल्ले खा लिए हैं, अभी चाय पी रहे मेरे दोस्त, मैं भी साथ में चाय पी रहा हूँ। ये मेरे साथ अज्जू बैठा है, ये भी गेम खेल रहा है। अभी कह रहा है चलो चलते हैं, थोड़ी देर में अमृतसर निकलते हैं। अभी बैठे हैं इधर, थोड़ा थक गए हम, 2 घंटे गाड़ी चलाई। तो अब हम यहाँ से रवाना होते हैं। ये दोस्त मेरे बैठ रहे हैं और मैं भी बैठता हूँ गाड़ी में, तो निकलते हैं अमृतसर की तरफ। हाँ जी सर, चलते हैं। अभी रास्ते में इन्होंने कहा है कि टूल टैक्स लगेगा, तो अब लखनपुर के पास लगता है, थोड़ा सा आगे जाके टूल टैक्स। जाने आने का हमारा लगा 500 टूल। तो अभी हम अमृतसर पहुंचने वाले हैं, ये हम अमृतसर पहुंच गए हैं, अब एंट्री कर रहे हैं अमृतसर में। हमने अपना होटल जो है बुक करा दिया है, तो होटल में चलते हैं। रात को डिनर करके अभी होटल में जाके रहते हैं, सुबह हम प्लान करेंगे जाने के लिए। गुरुद्वारे में जाएंगे, गोल्डन टेम्पल देखेंगे, आपको सारा व्यू दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहना। अभी सुबह हो गई है, रात में हमने इस होटल में रेस्ट करी। तो अभी अब निकलते हैं, ब्रेकफास्ट करना है, बहुत भूख लगी हुई है। सुना है अमृतसर में जो आमिर खान है, उसने जो है वो खाया था, क्या कहते हैं, नान, अमृतसरी नान खाया था। तो गाड़ी में बैठ गए हैं, ये मैं दोस्त बैठा है गाड़ी में, तो चलते हैं नान खाने के लिए। आपको दिखाता हूँ वो जगह जहाँ पर वो नान मिलता है, जहाँ पर आमिर खान एक्टर, जो एक्टर है आमिर खान, उसने नान खाया था। ये बस स्टैंड के बिल्कुल सामने दुकान है, तो उधर मिलता है ये नान। अभी बाज़ार से होते हुए निकलते हैं, यहाँ पर ई रिक्शा बहुत चल रहे हैं। और ये चौक से होते हुए हम गाड़ी बड़ी, रास्ता यहाँ पर थोड़ा सा कंजेस्टेड है, रश बहुत ज़्यादा है। तो अभी मेरे साथ ये मेरा फ्रेंड बैठा है जितेंद्र, उनका स्टूडियो भी है आरसपुरा में, तो मेरा भी स्टूडियो है। तो हम इकट्ठे निकलते हैं, थोड़ा सा बस पास पहुँचने वाले हैं हम ही। ये पहुंच गए बस स्टैंड, आपको दिखा रहा हूँ उसका बाज़ार। बस स्टैंड के बिल्कुल सामने ये दुकान है, यहाँ पर नान खाते हैं और चाय पीते हैं। चाय बड़ी टेस्टी होती है, नान बड़ा टेस्टी होता है। ये वही दुकान है जहाँ पर आमिर खान, ये देखो फोटो लगी हुई है, आमिर खान जी ने यहाँ पर नान खाया था। तो हमने नान शान खा लिया है, अभी चाय पी रहे हैं मैं और मेरे दोस्त, दोनों चाय पी रहे हैं, चारों ने चाय पी रहे हैं,
चलो यानी तो उन कुछ कह रहा हूँ कि प्लान करो कुछ, इन्होंने ये कह रहे हैं पहले थोड़ा सा सामान ले लेते हैं मार्केट से, तो अभी मार्केट में सामान बुक करा के आए हैं, कुछ लेना था सामान यहाँ पर इकट्ठा कर लिया। अभी मेरे दोस्त जो रुको आगे जा रहे हैं, भैया, रुको 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 मैं भी आ रहा हूँ, ये देख मैं पीछे हूँ, तो वो आगे भाग गए। धूप बड़ी पड़ी रही है, दोपहर के 12-1 बज गया है, गाड़ी में बैठ के हम वीडियो कैमरा जो है उसको थोड़ी सर्विस करानी थी और कुछ सामान लेना था, तो अभी हम उधर जा रहे हैं सामान खुद शॉपिंग करने के लिए। मेरे दोस्त की एक ऐनक है वो बनवानी थी इधर, ये हम फ्लाइंग ओवर के नीचे से निकल रहे हैं, तो आप देख रहे हो अमृतसर, अमृतसर जो है फ्लाइंग ओवर के नीचे से हम निकल रहे हैं, तो पहले हम चलते हैं ऐनक बुक करा देते हैं इसकी, दोस्त की ऐनक सस्ती मिलती है यहाँ पर, तो मैं चल देख लेते हैं कौन सी ऐनक सस्ती मिलती है। अभी ऐनक बुक करने जाते हैं, ई रिक्शा कितने चल रहे हैं, स्कूटर गाड़ियाँ कारें कैसे चल रही हैं। बस यहाँ से हम जाम से बाहर निकले हैं, आपको बाज़ार दिखा रहा हूँ इधर, ये हम फ्लाइंग ओवर के ऊपर से जा रहे हैं, तो चश्मे की दुकान पे तो हम चश्मा बुक करके आ गए अभी, तो अभी हम जा रहे हैं कैमरा जो है लेमिनेशन कराना है और उसकी सर्विस करनी है, तो अभी हम पहुँचे नहीं हैं, रास्ते में ही हैं, बस पहुँचने वाले हैं उधर, ये फ्लाइंग ओवर के ऊपर से जा रहे हैं, देखो कितनी सफाई की है इधर, है ये बिल्डिंग दिखा रहा हूँ आपको, अमृतसर का बाज़ार, अमृतसर प्रॉपर अमृतसर के अंदर हैं हम, ये देखो बिल्कुल इतना क्लीन यहाँ पे बना हुआ है, साफ़ सुथरा। तो ये आगे 3 लेयर लाइन सड़कें, देखो 3 लेयर लाइन है, ट्रिपल सड़कें बनी हैं, सेंटर में भी है एक, साइडों में भी है, तो आपको दिखा रहा हूँ मैं ये व्यू अमृतसर का, देखते जाओ कितनी अच्छी, ये देख लीजिए गाड़ियाँ टेम्पू सब चल रही हैं, हम टेम्पू में बैठ गए, अब गाड़ी तो हमने लगा दी पार्किंग में, तो थोड़ी शॉपिंग करने निकले हैं, कपड़े ले लेते हैं थोड़े, तो यहाँ पर सुना है बड़े सस्ते कपड़े मिलते हैं, तो हम बाज़ार में कपड़े लेके तो फिर शाम को जाएंगे गोल्डन टेम्पल, ये बाज़ार से हम निकल रहे हैं, कपड़े हमने ले लिए हैं अभी, तो ये बाज़ार से होते शाम हो गई है, 4-5 बज गए हैं, 5 बज गए, चार नहीं 4 बजे टाइम है, सॉरी 4 बजे अभी, तो बस बाज़ार से निकले हैं, अंधेरा पड़ गया शाम को, 5-6 का टाइम है, अभी पहुँचे हैं इधर बाज़ार में, गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल सामने एक बाज़ार है, उस बाज़ार में घूम रहे हैं, बड़े लोग आए हैं, बहुत रश है इधर, इधर बाज़ार आपको दिखा रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं मेरे साथ, दोनों चल रहे हैं, फोटोग्राफर हैं ये भी, तो एक चकरोई से है, एक दो आरसपुरा से हैं, यानी कि हम 3 आरसपुरा से हो गए, अब चल रहे हैं, देखते हैं आगे, जलियांवाला बाग खुला होगा तो देखेंगे अंदर वो कुआं भी, लेकिन मैंने पूछा है तो बता रहे हैं अभी रात को हम गेट क्लोज है उसका, तो हम ये बाज़ार से निकल रहे हैं इधर, आपको ये बाज़ार दिखा रहा हूँ, छोटे बच्चों के लिए सामान यहाँ पर, खाने पीने का सामान, ये हम पहुँच गए बिल्कुल जलियांवाला बाग के सामने से होके गुजर रहे हैं, ये बाज़ार है जलियांवाला बाग के आगे, पंजाबी जुत्ती पाकिस्तानी चुन्नी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं लेडीज़ के लिए, और बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें हैं यहाँ पे बाज़ार में, कुछ उड़ने वाली चीज़ें लगाई हैं इलेक्ट्रॉनिक की, मैं आपको अभी शो कराता हूँ, यहाँ पे अभी दूर से नज़र आएगा एक उड़ने वाली इलेक्ट्रॉनिक चीज़ दिखाई है आप लोगों को, ये देखो इसमें सेल पड़े हुए हैं, हम बिल्कुल गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल बाहर सामने हैं, आगे आगे मेरे दोस्त चल रहे हैं, पीछे पीछे मैं चल रहा हूँ, ये गोल्ड टेम्पल का आपको व्यू दिखा रहा हूँ बाहर से, अभी हम अपने स्लीपर जो है जमा करा चुके हैं और गोल्डन टेम्पल के अंदर आ रहे हैं,
लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं, तो मैं भी, मेरा दोस्त भी सेल्फी ले रहा है, देखो मैं भी सेल्फी ले रहा हूँ, इधर वीडियो बना रहा हूँ, सेल्फी मैंने खींची हैं 5-6। तो अभी राउंड मारना है इधर, तो तालाब के बीच में लोग कहीं नहाते हैं यहाँ पर, तो इधर नहाने से पाप मुक्त हो जाते हैं लोग। तो इधर ये हम खड़े हैं दोस्तों के बीच में, मैं चलो अब चलते हैं आगे, बिल्कुल तालाब के पास लोग स्नान कर रहे हैं साइड में। तो इधर लाइट बहुत ज़्यादा है, रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आ रही है, ये मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ गोल्ड टेंपल का बीच वाले एंगल से। सेंटर में हम पहुँच चुके हैं, नज़ारा देखो कितना अच्छा नज़ारा आ रहा है, वीडियो में बने रहना, गोल्ड टेम्पल दिखा रहा हूँ आपको, कितना रश है इधर। अभी दोस्त आगे निकल गए हैं, ये एक दो पीछे हैं, ये सेल्फी ले रहा है अपनी, तो एंजॉय कर रहे हैं। बहुत से बड़ी लोग आए हैं इधर, तो चलो मैंने कहा चलो हम भी घूम लेते हैं, तो माथा टेक के आते हैं। ये इधर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी ये को मैं वीडियो बना रहा हूँ। अंदर जहाँ पर ग्रंथ साहिब रखा है ना, वहाँ पर वीडियो चलाना अलाउड नहीं है, वीडियो नहीं करने देते। चलो देखते हैं आगे जाके, अगर हमें बनाने देंगे तो आपको मैं दिखा दूंगा, नहीं तो हम इधर मत्था टेकते हैं। कई लोग यहाँ पर सरोवर के बाहर, तालाब के बाहर ऐसे पूजा करते हैं, तो पाठ कर रहे हैं इधर, बड़े बड़े लोग जो है यहाँ पर बैठ के पाठ कर रहे हैं। आपको दिखा रहा हूँ ये व्यू तीसरे एंगल से, 30 डिग्री में हम पहुँच चुके हैं, 1/3 हम राउंड हो चुका है। तो लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए, हम भी कोशिश करेंगे दर्शन के लिए, रश बहुत ज़्यादा है। तो मेरे पीछे लोग पाठ कर रहे हैं, आप देख रहे हो लाइट बहुत ज़्यादा है, जिसकी रिफ्लेक्शन की वजह से आपको थोड़ा देखने में दिक्कत आ रही होगी, तो लेकिन शाम को ही देखो तो ज़्यादा नज़र आता है, दिन में इतना नज़ारा नहीं आता देखने का जितना रात को देखने में नज़ारा आता है। देखो आप, बहुत लोग आए हैं इधर, यहाँ पर कमरे भी मिल जाते हैं आपको रेंट पे, मिल जाएंगे होटल वगैरह मिल जाएंगे साइडों में, तो रहने की कोई दिक्कत नहीं है। होटल का जो किराया शराया है ये भी कोई रेंट इतना ज़्यादा नहीं है, 700-800 रुपया रेंट, बड़ी इजीली एसी कमरा दे देते हैं, आप रह सकते हो रात को यहाँ और सुबह वापस हो सकते हो। ये फोर्थ एंगल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ फ़ोटो में, फोर्थ साइड, बस हम पहुँचने वाले हैं, आगे ग्रंथ साहब रखा है, तो हम दूर से दर्शन करके आते हैं। अभी यहाँ पर हम मना कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, तो मैं यहाँ पर वीडियो क्लोज़ कर लेता हूँ, ये आपको लोग दिखा रहा हूँ, ये हम बाहर आ गए दर्शन करके। तो मैंने कहा था कुछ सामान लेने लेडीज़ का इधर से, तो ये हम गोल्डन टेम्पल के बाहर, तो अभी हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, खाना हमने डिनर कर लिया है, तो ये गाड़ी में बैठे हैं हम, रात को बज गए हैं, 9 बज गए हैं, तो अभी 10-11 का टाइम हो गया है, 9-10-11 बजे का टाइम हो गया है, 9 बजे हम बैठे थे, अभी 11 बजे सेंटर में पहुंच गए हैं, रात को 3 बजे पहुंचने का प्लान है। तो यहाँ से बाज़ार से होते हुए निकल रहे हैं, तो आपको एक चोंगा दिखाता हूँ, जिसमें ना जहाज़ की प्रतिमा बनाई है आगे, बस आने वाला है, आप देखते रहो, स्पीड बिल्कुल स्लो चल रही हमारी, 80 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते में गाड़ी कोई भी नहीं है, रात को रश कम होता है, तो हम गाड़ी बड़ी सोच समझ कर चला रहे हैं, बैठे हैं गाड़ी में, ये देखिए जहाज़ की प्रतिमा आई। दोस्तों अगर आपको वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, और छोटा सा कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो।
ओके, थैंक यू फॉर ऑल।